ओल्डी गर्ल में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में कुछ मैं आपको घरेलू औषध जो रात दिन काम में आने वाली दवाइयां होती है उनको घरेलू में लिया जाता है, यानी कि एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की तारीख में सभी को कि यौन शक्ति कम होना, ये एक आम बात हो गई है। अब इसके कारणों पे जाएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी वो लिस्ट बन जाती है, तो अपन कुछ कारणों पे नहीं जाएंगे क्योंकि कारण आपको मालूम है। तनाव सबसे पहला कारण है, तनाव। वो तनाव जब पैदा होता है कि इंसान खुशहाल नहीं रहता, तनाव जब पैदा होता है कि आमद 100 रुपया और खर्चा 200 रुपये का, ये कई तरह के इस तरह की जो चीज़ें होती है तो इसका तनाव आदमी को होता है, औरत को नहीं होता। औरत को ये होता है कि देखो ये काम कर रहे हैं, कमाई होगी। एक निराशा का भाव स्त्रियों में नहीं होता, ये निराशा का भाव पुरुषों में होता है कि मैंने ये काम किया, सफलता नहीं मिली, ये किया वो किया। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ट्रेस के अंदर पुरुष रहते हैं और इस वजह से मृत्यु का जो आंकड़ा है वो पुरुषों का ज़्यादा है। आयु पुरुषों की कम है, अटैक आ जाते हैं, लकवा मार जाता है। स्त्रियों की आयु ज़्यादा है, ज़्यादा होती है। तो अब आप ये कहें कि खाना जो अपन घर पे बनता है खाते हैं तो कोई वो अलग अलग नहीं बनता कि ये स्त्रियों का खाना है, बच्चों का है या ये पुरुषों का है। खाना तो एक ही होता है जो पूरा परिवार खाता है, वही चाय पूरा परिवार पीती है, जो स्त्रियां भी पीती है, सब कुछ वही है, वही आबो हवा है, वही सब कुछ है। फिर आदमी जल्दी हृदयाघात से, हाई ब्लड प्रेशर से और डायबिटीज से पीड़ित जल्दी क्यों होते हैं? इन सब के पीछे एक ही कारण है, तनाव। क्योंकि आदमी एक तरह से रेल का इंजन है। अब रेल के इंजन आजकल तो विद्युत से चलते हैं, अब आगे कोई टाइम में हम सफ़र करते थे तो रेल के इंजन के अंदर यूँ कोयलों को यूँ ऐसी गर्मी के अंदर उन लोगों में कितना स्टेमिना था जो कोयले उसके बॉयलर की भट्टी में जो डालते थे इंजन के अंदर, कितनी गर्मी वहाँ रहती है। तो इस तरह भी रेलगाड़ियाँ चलती थी तो इंजन काला धुआं देने लग जाता था, लोड ज़्यादा पड़ता था। तो ट्रेन के अंदर उस वक्त खिड़की से बाहर देखने का भी सिस्टम था, तो हम यूँ मुँह निकाल के देखते तो कोई न कोई इंजन से निकला हुआ कोयले का जले हुए का काला कण आँख के अंदर घुस जाता था। ये एक आम बात थी और
फिर जो भी है उसको आँख को मसलना करना। तो मेरे कहने का मतलब है कि इंजन जो होता है वो पूरी गाड़ी को खींच के ले जाता है, अकेला इंजन। तो इंजन की तुलना मैं पुरुषों से करता हूँ, छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, जिसको माल ढोना है उसको माल ढोना है, और जिसको डिलीवरी लेनी है उसको डिलीवरी लेनी है। तो स्त्रियां बोरियां उठा करके पुरुषों के बराबर नहीं फेंक सकती। जो काम पुरुष कर सकते हैं वो काम स्त्रियां नहीं कर सकती, क्योंकि गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना, हाय हाय जालिम जमाना। तो सहगल साहब ने एक गलत थोड़ा ही गाया है, तो ज़्यादा लोड आदमी के ऊपर होता है और इस चिंता के अंदर आदमी अंदर से टूट जाता है, भूख मारी जाती है, नींद मारी जाती है। देखो जब तक आप कोई भी बीमारी के कारणों पे नहीं जाएंगे तो आप रोगी को ठीक नहीं कर सकते। अब रोगी कहता है कि गरीबी बहुत है, मैं चिंता में रहता हूँ, वैद्य जी मेरे को दवाई दो, मैं नपुंसक हो गया। अब वैद्य जी क्या करे इसमें, वो ये तो है ही नहीं कि अपने पास से चेक काट के दे दे कि भी तुम मेरे से ले जाओ। तो हर समय चिंता के अंदर स्ट्रेस में पुरुष रहता है, इससे शरीर के अंदर के जो यांत्रिक अंग हैं, भीतरी अंग हैं, लीवर है, लंग्स हैं, हार्ट है, किडनी है, जो भी बेशकीमती अंग हैं, लिंग है और है, तो इसका असर उसकी चिंता से पूरे बॉडी के ऊपर पड़ता है। पूरी बॉडी के ऊपर जब इसका असर पड़ता है तो इन अंगों जो सही हैं, सही होते हुए उनको उनका सही मात्रा में उनको खुराक नहीं मिलती। आदमी मेहनत नहीं करता और खा लेता है तो वो खुराक जो है उसको वो आंतें या लीवर उसको हजम नहीं कर सकते। तो वो अलग अलग कोई तेजाब ज़्यादा छोड़ता है, कोई कम छोड़ता है, कम छोड़े वो भी दुखदाई, ज़्यादा छोड़े वो भी दुखदाई, कभी एसिडिटी हो गई, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया। तो इस तरह से आदमी के सबसे बड़ा कारण चिंता, चिंता को कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं पैसे वाला बन जाऊं। कैसे बनेगा, कोई चोरी डकैती डाल दे वो बात अलग होती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि आदमी जितना वो करता है वो पूर्ण नहीं, और इस मामले को लेकर के मियाँ बीबी में और मैं माँ बाप से और से
डायमंड के हो गए, 100 रुपए भी रोज नहीं कमा पाते, इस तरह की भी बातें होती है। मैं देखता हूँ बाजार के अंदर कहीं ऐसे पान की बॉडी के पास जो बेंच है उसके ऊपर कोई कहीं अच्छे खासे एक बिजली का इलेक्ट्रॉनिक का मिस्त्री, जो पहले मेरे यहाँ बहुत लंबे समय तक काम किया था, वो उसने काम बंद कर दिया। और वो जब भी मैं बाजार जाता हूँ तो वो सुबह 10 से लेकर रोटी खा के आता है तो 5 बजे तक वहीं बैठा रहता है, गुटखा खाता रहता है, थूकता रहता है। तो मैंने कहा भाई तुम इस उम्र में क्यों बैठ गए कि काम एक तो मिलता नहीं है, मिलता है तो लोग पूरी मजदूरी देते नहीं हैं। हम काम करते हैं, सफाई से काम करते हैं, इलेक्ट्रिक का काम जो है इसमें भी बहुत सफाई होनी चाहिए, कौन सा स्विच कहाँ जाएगा, कौन सा कहाँ जाएगा। तो जब हमारे लायक काम नहीं मिलता है और पैसे नहीं मिलते हैं तो क्या करें, जो कमाए हुए हैं उनको बैठे खा रहे हैं। एक छोटा प्लाट था उसको बेच दिया, उसको अभी चल जाएगा था 1-2 साल, उसके बाद फिर देखेंगे। तो इस तरह निराशा से घिरे हुए बहुत युवक, बिजली का तो ये मैंने एक अनुभव बताया है, बहुत से बेरोजगार आज जो कुछ भी नहीं जानते, उन लोगों ने खूब पैसा कमाया है, और जो पढ़ लिख करके इस लायक बने जो आज उनको काम नहीं मिलता, तो अच्छे परिवार का आदमी भी सब्जी मंडी में सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो जाता है, या छोटी कोई बॉडी लगा करके किराने की ओर की, तो खर्चे अधिक और आमद कम, ये सारे कारण मिलकर के आदमी के ऊपर ही लोड पड़ता है। औरतों का काम खाना बनाना खिलाना है, वो ज़्यादा चिंता नहीं करती है, इसलिए औरतों की उम्र अधिक होती है, आदमी की आयु कम होती है। अभी जो ये कहीं कहते हैं ना कि कम उम्र के आदमियों को अटैक क्यों हो रहे हैं, तो कोई तो ठीक रहा है, जो ये जो इंजेक्शन लगे थे कोरोना के और के उन पे फोड़ता है, कोई ठीक रहा है जो खान पान पे फोड़ता है। अरे जब एक ही चीज़ खाना पीना औरतें बच्चे आदमी सभी एक ही घर के एक ही चीज़ खाते हैं, तो वो कम उम्र के अंदर उनको अटैक स्त्रियों को क्यों नहीं आता, इस पे कोई नहीं बोला। सब यही दोष देते हैं, नुक्ताची करते हैं कि कोई चीज़ प्योर नहीं मिलती और नहीं मिलती, ये है वो है। तो कुल मिलाकर के गणित यही आती है कि किसी के ऊपर इस तरह का दोषारोपण नहीं करना, वही टीका आदमी लगाता है, वही टीका स्त्री लगाती है। तो फिर आदमी कम उम्र के अंदर अटैक से क्यों मरते हैं और औरतें क्यों नहीं मरती। मैं नहीं चाहता कि भी कोई मरे, बुरा नहीं मानना, ये एक विश्लेषण है जो मैंने किया है। इसलिए एक तो आप लोगों को निरोग रहना है तो चिंता को हटाएं, कोई भी बीमारी हो चिंता को हटाएं,
अरे हिंदुओं को भगवान राम मिले हैं, हैं उन पे भरोसा करना चाहिए, मुसलमान भाइयों को अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। अपनी किस्मत को कोई नहीं ले जा सकता, हताश नहीं होना चाहिए, काम कोई छोटा नहीं होता। जो भी काम मिले, बेकार बैठे रहने से आदमी का तो सर्वनाश होता है। उसके अंग भी जवाब देते हैं, उसका दिमाग भी जवाब देता है, और आदमी अगर काम में लगा रहेगा तो चार छह बीमारियां होगी तो वो उसको तंग नहीं करेगी। हाँ, तो मैं अब आपको यौन शक्ति बढ़ाने के कुछ उपाय बता देता हूँ। ये मेरा वीडियो इसलिए बड़ा बन जाता है कि जब तक मैं क्या बताऊँ आपको, आप जानते हैं मुझको। हाँ, पहली दवाई है अश्वगंधा। कई लोग आजकल पैसे के लालच के अंदर, कि साउथ अफ्रीका में 20 साल रहा और वहाँ के अनुभव और वहाँ की जड़ी बूटियों से इस नाम का कैप्सूल तैयार किया। नाम नहीं लेंगे हम क्यों दुश्मन बनाएं अपने को। अरे साउथ अफ्रीका क्या वो दिल्ली भी नहीं गए कभी? साउथ अफ्रीका पैसे कमाने के ये तरीके। तो जब अपने पास अश्वगंधा है आयुर्वेद में, लेकिन इसका प्रयोग आप सही तरीके से नहीं करते, इस वजह से आप निराश हो जाते हैं कि कोई दम नहीं। ऐसा नहीं होता। आप अश्वगंधा की जड़ें लाएं, बिल्कुल पुरानी न हो, उसकी जड़ों को ला करके गाय के दूध के अंदर कढ़ाई लोहे की में डाल करके और कुछ देर के लिए बॉईल करें, 10-15 मिनट। उसके बाद वो दूध काम में ले लें मैं आप, और उन जड़ों को सुखा करके और फिर उसका आप पाउडर बनाएं आटे जैसा, फिर देखें काम करता है या नहीं करता है। आपको मानना पड़ेगा कि बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती है कि जिनका अगर शुद्धिकरण नहीं होता वो नुकसान करती है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि हींग, ऐसा फोटिटा हींग होती है। अरे अपने घर की स्त्रियाँ भी जानती है कि हींग को शुद्ध करके और काम में लिया जाता। अब हींग जैसी चीज को शुद्ध करके काम में लिया जाता है तो ये जड़ी बूटियों को भी भाई शुद्ध करना चाहिए। इनको क्यों काम में ले रहे हैं आप, ऐसे ही क्यों ले रहे हैं? जैसी पंसारी ने दीर ला कर के खाने शुरू कर दी, क्या दिया उसने? मकई का आटा डाल देते हैं, सूजी का आटा मिला देते हैं। कौन देगा अश्वगंधा आपको प्योर बारीक ऐसा पीस करके? एट्रैक्टिव यानी कि पाउडर तो 50 रुपए का, तो 30 रुपए का डिब्बा देंगे। एट्रैक्टिव वैसे देखते ही आदमी क्या, दो डिब्बे दे दे, डिब्बों में क्या है बाटा। तो अश्वगंधा कोई भी अफ्रीका नहीं गया और न कोई अफ्रीका से जड़ी बूटियां लाते हैं, न कोई जानते हैं, वो वहाँ के आदिवासी हैं वो ही लोग जानते हैं। और कोई आदमी अगर अफ्रीका में रहा वहाँ उसको तकलीफ हो गई तो कोई जंगली अफ्रीकी ने किसी आदमी को कोई बता दिया तो वो कोई इलाज थोड़ा ही करेगा, वैद्य थोड़े ही रहते हैं वहाँ।
तो अपने देश में कोई जड़ी बूटियों की कमी नहीं। अश्वगंधा अकेला जिनसेंग पर भी भारी पड़ता है। अश्वगंधा जहाँ है वहाँ सेक्स की बीमारी का क्या काम। मैं झूठ नहीं बोलता, आदमी बहुत कुछ खोने के बाद सीखता है। सही बात को मैं कबूल करता हूँ हमेशा। शुरू में मैंने अश्वगंधा को जैसे आया पीसा वैसे दिया, या लिया वैसे ही दिया, कोई फायदा नहीं। तो मेरी भी एक ऐसी सोच बन गई कि ये जितने तारीफों के पुल बंधे हुए हैं अश्वगंधा के, ये कुछ कोई काम नहीं करती, न मूसली करती, न सालम पंजा करता, पैसे लगते हैं दुनिया भर के, बेकार है, और आदमी फिर एलोपैथिक दवा पे चला जाता है। तो इनका जिनका शुद्धिकरण किया है करो आप शुद्धिकरण करके, न कर सकते हैं कोई का जैसे शुद्धिकरण नहीं, तो आपको बढ़िया अश्वगंधा की जड़ें ला कर के और अपने घर पे ग्राइंडर में पीस के आटे जैसा पाउडर बनाएं। फिर अगर वो काम नहीं करता है ना, तब मेरे आकर के आप मेरा मुंह पे कुछ भी कह सकते हैं। अब मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ, तो आप ये मत सोचना कि आगे पीछे वो ही अश्वगंधा। अरे भाई, तुम जहाँ भी जाओगे तुमको सूर्य ऐसा ही दिखेगा, जहाँ भी रात होगी चांद दिखेगा, तारे दिखेंगे। तो जो चीज़ें हैं वो तो वो ही हैं, वो कहाँ से बार बार नहीं पैदा होगी। कोई अफ्रीका नहीं, अपना देश ही अफ्रीका से बहुत ऊंचा है। तो अश्वगंधा, बाद में मैंने अश्वगंधा का शुद्धिकरण किया। शतावरी, शतावरी की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है, लेकिन शतावरी का कभी शुद्धिकरण आज तक किसी ने नहीं किया। अब बहुत सरल है लेकिन कौन करे। शतावरी की जड़ें जो स्त्रियां लकड़ियां ले लाती है जंगल से, तो वो वहाँ से खोद के लाती है शतावरी की जड़ें, और ऊपर की मिट्टी हटा के और पंसारी को बेच देती है। ओणे पौने में ही पंसारी लोग उनसे खरीद लेते हैं, खरीद के वो अपने छत पे सुखा देते हैं, कई दिनों तक वहाँ पड़ी रहती है, ओस भी उन पे ही गिरती है, छींटे भी लग जाते हैं, धुआँ भी लग जाता है, क्योंकि डस्ट तो सब जगह ही होता है। और फिर उन सूखी हुई को पीपे के अंदर रख के नाम लिख देते हैं कि शतावरी। आप गए, आपको बिल्कुल ताज़ा है, तोड़ के देख लो, नहीं तो नहीं होगी। अब वो शतावरी कोई काम नहीं करती, क्यों नहीं करती। हर एक चीज़ के अंदर अच्छाई के साथ बुराई भी होती है, ये चीज़ आयुर्वेद के अंदर है। शतावरी की जड़ों के अंदर उसकी हड्डी होती है। तो जो लोग मांसाहारी हैं तो वो मांस ही खाते हैं, हड्डियां थोड़ी खाते हैं। तो शतावरी के अंदर
हड्डी होती है, अस्थि बोलते हैं उसको, हड्डियों को संस्कृत में अस्थि बोलते हैं। तो मैं पहले शतावरी की जड़ें खुद लेके आता था मोटरसाइकिल पे, पीछे बिठा के एक मजदूर को लेके जाता और उसको जाके चार पेड़ बता देता, खूब है जंगल में, इनकी जड़ें खोद दो भाई। जड़ें खोदने के बाद वहीं पानी खूब है, तालाब है और है, वहाँ आकर के उसको पटसन का, जो पहले बोरियाँ बनती थी ना जिनमें चीनी भरी रहती थी और वगैरह, इसको क्या बोलते हैं आप, आजकल बोरियाँ दिखती नहीं है, उनकी जगह प्लास्टिक बैगों ने ले ली, पहले ये सन या पटसन बोलते थे, उसकी बोरियाँ बनती थी। तो उसकी वो खुरदरी होती थी, मोटी होती थी कपड़ा नुमा, तो वो साथ में मैं थोड़ी सी ले जाता था, उसको समझाता कि इस जड़ को यहाँ ऊपर से जरा सा यूँ करो, खोल दो, ऊपर का मुंह खोल दो, तो साइकिल की जो ताड़ी होती है, बस बिल्कुल सही नाप बता रहा हूँ मैं आपको, और कोई चीज़ से नाप नहीं, साइकिल की ताड़ी जितनी मोटी अंदर से एक आपको हड्डी नुमा नज़र आएगी, तो आप इधर से तो पकड़ लें शतावरी का वो हिस्सा, एक हाथ से वो ताड़ी को, हड्डी को पकड़ लें और यूँ पकड़ के यूँ खींचें, तो वो शतावरी की जड़ का जो लंबा टुकड़ा है उसमें बीच में नाली बनते हुए वो जड़ पूरी की पूरी निकल जाएगी। मतलब कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ताज़ा शतावरी की निकलेगी, गीली शतावरी जो तोड़ी हुई है उसी की निकलेगी, सूखने के बाद नहीं निकलती। तो मैं वो सारी निकलवा लेता और वो कोई काम की नहीं, उनको फेंक देता था। तो उसके बाद उस टाट से तालाब के पानी में या और जहाँ कोई नाला हो और ऊपर से ऐसे साबुन से धोते हैं कपड़ा, ऐसे रगड़ने से ही मात्र पतला छिलका होता है शतावरी का, वो हट जाता था और गाय के दूध जैसे रंग की शतावरी। शतावरी दो तरह की होती है, एक शतावरी जो जनरली काम आती है, एक महाशतावरी होता है। जैसे एक तो आंवले देसी होते हैं छोटे छोटे, एक ग्राफ्टेड होते हैं इतने बड़े बड़े, वैसे ही शतावरी के अंदर जो महाशतावरी है विदेशों में ज़्यादा होती है, आप लोगों को मालूम नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि विदेश में कोई होटल में आप खाना खाने जाएंगे तो खाने के पहले सलाद और उसके साथ में एक प्लेट के अंदर ये अंगूठे जैसी मोटी शतावरी के गुट्टे, इतने इतने गुट्टे, ताज़ा शतावरी के हड्डी निकालने के बाद जो गुट्टे छिलका हटाने के बाद, वो गुट्टे प्लेट में, उनके ऊपर मसाला नमक ये खाने को देते थे, वो देते हैं। अरे अपने से ज़्यादा समझदार तो ये लोग हो गए। तो मैंने एक बार पूछ लिया, भी ये क्यों देते हो, इससे ताकत बनी रहती है। वाह कोई बात नहीं। तो इस तरह ये लोग है जो इन चीज़ों को लाभ उठा रहे हैं अपनी चीज़ों का, और अपन नहीं उठा पाते, तो इसके पीछे यही कारण है। अब जितने भी शतावरी बाज़ार में बिकती है उन सब में अस्थि होती है,
न छिलका का शोधन होता है, न कुछ और होता है। तो अस्थि निकाली हुई शतावरी और बढ़िया साफ करी हुई शतावरी को ला करके आप सुखाएं, और सुखाने के बाद एक सूती कपड़ा लें और उसकी जड़ों को खूब ऊपर से साफ करें, धूला मिट्टी कण कोई चीज़ नहीं रहे। उसके बाद उसके कटर से छोटे छोटे टुकड़े करके आप ग्राइंडर में डाल करके और उसका चूर्ण बनाएं, तब वो शतावरी जो है अपना रंग दिखाएगी। इसी तरह मैंने अश्वगंधा का शोधन बताया, और भी कई चीज़ें हैं उनका शोधन होना ज़रूरी है। तो अश्वगंधा 25 ग्राम, ब्रह्मदंडी 25 ग्राम, निर्गुंडी 25 ग्राम, इनको बराबर मात्रा में 25-25 ग्राम तीनों को लें, अश्वगंधा, ब्रह्मदंडी और निर्गुंडी। ब्रह्मदंडी मिल जाती है पंसारी के, निर्गुंडी खूब होती है, यहाँ तो ताज़ा ही मिल जाती है। ये तीनों चीज़ें लेकर के अच्छी तरह से आप आटे जैसी खुद पीसें। आजकल जो बाज़ार में मिलता है, ये पंसारी लोग पाउडर बेचते हैं थैलियों में और डब्बों में पैक, जो अश्वगंधा, शतावरी, त्रिफला, अरे ये इनके पास, फार्मेसियों के पास ऐसी ऐसी मशीनें हैं जो मैदे जैसा पाउडर बना देती है। तो त्रिफला की फक्की लगाओ तो यहाँ गले में अटक जाती है, एक लोटा पानी पियो तब जा कर के क्लियर होता है। क्यों वो क्यों चिपकता है? क्योंकि उसको बहुत बारीक कर दिया गया। वो आटे जैसा होता तो फट नीचे चला जाता है, उसके सारे गुण उसमें मौजूद होते हैं। अरे वो इतना महीन कर देते हैं मैदे जैसा कि उनके गुण भी समाप्त हो जाते हैं और आदमी को लाभ भी नहीं होता। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में देने की है, थोड़ी मेहनत करो भाई। इन तीनों को ला करके और आटे जैसा आप बना लें, और इसमें 75 ग्राम या तो बुरा मिलावें आप, बुरा खांड जो होती है, चीनी नहीं, चीनी जहर है, बुरा अमृत है, बुरा मिलाएं, बुरा चीनी आती है वो मिलाएं, वो नहीं मिलती है तो मिश्री का पाउडर मिलाएं 75 ग्राम। तो ये तीनों चीज़ें हुई 75 ग्राम, और 75 ग्राम ही इसमें मिश्री हो गई तो 150 ग्राम हो गई। तो ये एक मेजरमेंट है, आप खूब बना सकते हैं। तो 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम रात को। अरे मेरे कहने से आप लो ये, या आप मेरे को मुंह मांगे पैसे दो ताकि मैं आदमी को भेज करके, अब मैं नहीं जा सकता, मैं मंगवा दूं कर दूं, लेकिन आप नहीं दे सकते। आप ऐसे कितने ही गर्दन कटा लेंगे अपने, लेकिन आप पैसे नहीं दे। एक आदमी, आजकल मजदूर आदमी 500 रुपया रोज का लेता है। अब वो जंगल में जाएगा, खोदेगा, करेगा, तो 1000 रुपये के बिना तो उसको छोड़ के भी आओ, लेके भी आओ। तो ये सब जो आदमी जब भी करेगा, चाहे कोई वैद्य हो या कोई हो, उसको उसकी मेहनताना मिलेगा जब करेगा वो। तो इनका शुद्धिकरण होने के बाद में इस तरह 150 ग्राम हो गया, तो 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम रात को मुंह में डाल के, और मिश्री मिलावा गाय का दूध, उसमें 4 दाने केसर के डालें,
आप 41 दिन 31 दिन 51 दिन आयु कोई हो 18 से लेके 80 साल तक 2 महीना लें 1 महीना लें, इससे आपकी यौन शक्ति जो कम हो गई है वो लौट आएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये मामूली चीज़ें हैं जो इतना काम कर गई, मामूली नहीं है ये। दूसरा इलाज, इंद्र जो 50 ग्राम तारा मीरा के बीज भी 50 ग्राम और उटंगन के बीज भी 50 ग्राम 50 50 50, इंद्र जो 50 और तारा मीरा के बीज 50 और उटंगन के बीज 50 ग्राम इनको कूट पीट के और मोटी छलनी से छान करके और सुबह शाम आप वही 5 ग्राम या 4 ग्राम लगभग एक कटोरी में डाल दें और उसके अंदर 3-4 चम्मच शहद डालें, शहद, और ये शहद डाल करके आप उसको चाटें, बहुत टेस्टी बनेगा चाटले में। थोड़ा ये इसमें कलेर ने लिखा है कि इंद्र जो कड़वा लें या मीठा लें तो इसका हम आपको बताएंगे। देखो कड़वा भी अगर होगा तो डायबिटीज का नाश करता है, वो भी कोई हानि नहीं करेगा, तो इसका हम आपको अब कैसे बताएं। अभी इंद्र जो बोलते ही कड़वा ही देते हैं डायबिटीज के अंदर। अब पंसारी को बोल देना भाई हम पेट में खाएंगे तो वो अपने आप ही आपको कड़वा या मीठा दे देगा, तो इसका प्रयोग भी आप 1-2 महीना करें, आपकी यौन शक्ति लौट आएगी। अगला उपाय है बिदारी कंद। बिदारी कंद कोई मामूली चीज़ नहीं, 100 ग्राम बिदारी कंद को कूट करके और छान लेवें, इसमें 100 ग्राम बुरा शक्कर मिला करके 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम रात को मिश्री मिले हुए दूध के साथ 2 दाने केसर के 1-2 महीना लें। बिदारी कंद में इतनी ताकत होती है जो आदमी को वज्र की तरह बना देती है। अगला प्रयोग, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम काली मूसली 50 ग्राम और ताल मखाना 150 ग्राम और 100 ग्राम गोखरू, इन सबको आप जितना इनका वजन होता है उतनी ही बुरा शक्कर, मान लो 300 ग्राम हुआ तो 300 ग्राम ही बुरा शक्कर मिला के आप गुनगुने पानी से लें सुबह शाम, गुनगुने पानी से। तो ये लिखते हैं कि बाजीकरण यानी कि जिनकी यौन शक्ति कम हो गई है तो उसमें ये बहुत लाभ करता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अगला नुस्खा घरेलू, मेरा वीडियो बड़ा बनता है भाई, देखो एक बात बता देता हूँ बीच में, मुझे कोई का डर नहीं लगता, मैं हनुमान भक्त हूँ और मैं कोई किसी को गाली भी नहीं देता, मैं आपके हित की ही बात बता रहा हूँ। आप आज मेरे वीडियो को लाइक नहीं करेंगे लेकिन आपकी जो संतानें आएगी आने वाले 25 साल बाद जब हम नहीं होंगे,
हम नहीं होंगे उस वक़्त, तब वो सोचेंगे कि इस तरह के वीडियो इतने बड़े बड़े कैसे बना के गए हैं, वो ताज्जुब करेंगे। हाँ, आने वाली पीढ़ी, तो आप अगला नुस्खा उड़द, 25 ग्राम उड़द की दाल की पिष्टी या सिंगाड़े की आटे को देसी घी में भून कर, सिंगाड़े का आटा ही लो आप, उड़द थोड़ी पसने में भारी होती है, 25 ग्राम सिंगाड़े का आटा लेकर के और उसको देसी गाय के घी में भून लेवें, और भूनने के बाद लगभग 400 ml गाय का दूध में मिला करके और उसको पकावें। पकाने के बाद गाढ़ा होने पर गरम दूध में बुरा शक्कर थोड़ी मिला करके, और सुबह सेवन करने से बाजीकरण होता है और रोग में आराम मिलता है। उड़द भी ले सकते हैं, सिंगाड़े का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन ये बताना ज़रूरी होता है जिनको पहले से ही यूँ मान के चलो कि फूल फेंकते हैं, उसी से ही जिनको जख्म हो जाता है तो वो तलवार क्या सहन करेंगे। तो गम दिए मुते किल कितना नाजुक है दिल, तो अपन ने अपने शरीर को नाजुक बना लिया, मेहनत करते नहीं हैं, तो उड़द को हजम कैसे कर पाएंगे। और जिनका डाइजेशन ठीक है वो उड़द को काम में लें, तो इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं उड़द की दाल का, एक लड्डू रोज है जो आप खाएं, ऊपर गाय का दूध पिएं, वीर्य बढ़ करके गाढ़ा हो जाएगा, धातु पुष्ट हो जाएगा और संभव करने का आपका टाइमिंग बढ़ा देगा। उड़द कोई कमज़ोर चीज़ नहीं, बस जो दोष है वो मैंने आपको बता दिया। अगला प्रयोग, काले तिल। अब आप ये कहेंगे कि सफ़ेद तिल में काले तिल में क्या अंतर होता है। अंतर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, अंतर होता है। कोंच के बीच काले और सफ़ेद में भी अंतर होता है, काले ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो इसी तरह तिल जो होता है, तो काला तिल होता है उसी को ही हवन के अंदर डालने का विधान होता है, सफ़ेद का नहीं, क्योंकि अपने धार्मिक कार्यक्रम के अंदर भी आयुर्वेद घुसा हुआ है, उसमें भी काले तिल जो गाय का देसी घी ये हवन की सामग्री में गूगल हाँ, ये चीज़ें यानी कि एक तरह से आयुर्वेद से हवन होता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि दीपावली आ रही है, ये दीपावली आ रही है, मैं अभी से ही बोल देता हूँ, आप लोग हजारों रुपए खर्च करेंगे, डेकोरेशन करेंगे, वो करेंगे, और करना भी चाहिए, 12 महीने में त्यौहार आता है, अपने अपने प्रतिष्ठानों में पंडित आते हैं, पूजा कराते हैं या खुद ही पूजा करते हैं, तो जो आप पूजा सामग्री लेके आते हैं तो पंसारी लोग क्या है अभी लग गए वो काम के अंदर, काम चालू है उनका, 15 दिन पहले से चालू हो गया, वो पूड़ा बांध बांध के रख देते हैं कि पूजा में ये 6-7 चीज़ें, उसमें नकली चांदी का वर्क भी वो रखते हैं, नकली भगवान गणेश जी के चिपकाने के लिए, और उसमें जो कपूर रखते हैं केमिकल वाला कपूर बांध के वो देते हैं,
तो आप जब खरीदने जाएं तो उनको कहो भाई ये बढ़िया से बढ़िया सामग्री दो, असली कपूर दो, भीमसैनी कपूर दो, उसमें कोई नहीं जाता। सर्वेंट को भेज देते हैं कि भाई दुकान जाके पंसार के यहाँ से पूजा का सामान ले। अब वो कपूर की डली वो केमिकल की है, वो जलेगी पेट्रोल की तरह, केरोसिन की तरह, उसका काला धुआं बाप रे बाप आंखें खराब कर देता है। जब वो पूजा की थाली सामने आती है यूं कर, मैं तो दूर हो जाता हूँ, क्या करूँगा। तो इन बातों का ध्यान रखो, जब तक शुद्धिकरण नहीं कोई चीज़ का तो उस पूजा से कोई फायदा नहीं। केमिकल जलाते हैं, केमिकल के ही अधिकतर ये कपूर बिकते हैं। आप बाज़ार में सीधे जाके कहोगे 10 रुपये का 50 रुपये का कपूर दे दो तो 10 रुपये 50 रुपये का केमिकल वाला मिलेगा आपको। वहाँ आप भीमसैनी कपूर लाएं। कपूर की परीक्षा मैंने आपको पहले वीडियो में बता दी, और इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। अगला जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से, काले तिल में क्या होता है, काले तिल का जो तेल निकलता है, तो मैं भी कोई ज़माने में तेल ही रहा होऊंगा, मैंने 32 तरह के 33 तरह के तेल निकाले हुए मशीन के अंदर, छोटी मशीन के अंदर। मेरे को शौक है, जिस चीज़ का तेल नहीं उसका ही निकालता हूँ मैं तेल। हाँ, तो काले तिल का जो तेल निकलता है उसको कांच की बोतल में भरो सफ़ेद में, और सफ़ेद तिल का तेल को उसको सफ़ेद बोतल में भरो, आपको दोनों में रात और दिन का अंतर दिखेगा। उस तेल में कालापन दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा। लैब टेस्ट कराओ, लैब टेस्ट कराने के अंदर काले तिल के अंदर जितने मिनरल्स या विटामिन्स या जो हैं वो अधिक पाए जाते हैं बनिस्पत सफ़ेद तिल के। तो सफ़ेद तिल तो देखो तिल पपड़ी वगैरह इनमें ही काम आती है, अपने को रोग के इलाज के लिए लेना है काले तिल लो। आप महाराष्ट्र में काले तिल मैं मंगाता हूँ, ये अमरावती से मंगाता हूँ मैं, 500 रुपये किलो आते हैं, बताओ मैं क्या करूँ। अब आते हैं जो आते हैं, ये 150 रुपये में आते हैं, खैर कोई बात नहीं। तो काले तिल और गोखरू ये 20-20 ग्राम ले लो आप, और इनका पाउडर बना लो, बना के वो 5 ग्राम लेके और दूध के अंदर मिश्री डाल के पियो, खूब लाभ मिलेगा। महीना दो महीना अगला प्रयोग खजूर का है। खजूर अब आने वाले हैं या आ चुके हैं मार्केट में, 25 से 50 ग्राम खजूर या पिंड खजूर को 100 से 250 ग्राम गाय के दूध में, ग्राम हो या एमएल हो उसमें थोड़ा अंतर होता है, दूध के साथ दिन में 3 बार लेने से संभोग शक्ति बढ़ जाती है। 25 से 50 ग्राम पिंड खजूर को 100 से 250 ग्राम दिन में 3 बार लेना है, तो आपको 25 ग्राम ही खजूर ले लो कोई बात नहीं, और 100 ग्राम आप दूध ले लो और सुबह पी लो, शाम को पी लो, रात को पी लो, देखो आपकी संभोग शक्ति बढ़ती नहीं बढ़ती है। अब मैं अभी 8वां और बताऊंगा आपको, 8वां जो नुस्खा है, अब मैं क्या करूं, वो भांग का आया है कि जो भी है नुस्खा तो नुस्खा है, 1/4 से 1/2 ग्राम भांग के पत्तों का चूर्ण,
चार से छः ग्राम शहद 100 से 250 ग्राम दूध के साथ लेने से संभोग शक्ति बढ़ती है। अब ये जो बाजार में जाकर के भांग का गोड़ा यूं मुंह में डाल के पानी पीते हैं, ये शरीर का नाश करते हैं। भांग की ताकत के लिए खुराक जो है ये पत्ती आती है, पत्ती आप पत्ती ले आओ, बाजार में मिल जाती है, खुले दाड़े मिलती है साहूकारी से। तो पत्ती को साफ करके पानी से खूब वाश करके और उसका आप पाउडर बना लें, 1/4 से 1/2 ग्राम, आधा ग्राम पाउडर लें और उसको दूध से पी लें या शहद से चाट के ऊपर दूध पी लें। जिनके कफ की प्रकृति है उनको शहद से, जिनकी वात की प्रकृति है उनको शहद से, जिनको पित्त की प्रकृति है उनको गाय के दूध से ये लें, ये टाइमिंग को बढ़ाती है। दूसरा और नुस्खा जो है, 6 ग्राम भांग 6 ग्राम अफीम 10 ग्राम छुहारे 6 ग्राम पोस्तदाना 10 ग्राम बादाम गिरी 10 ग्राम मोठ की जड़ और 6 ग्राम शुद्ध धतूरे के बीजों को एक साथ बारीक पीसकर 3 ग्राम की मात्रा लेने से बाजीकरण में लाभ मिलता है। ये वैद्य की राय लेकर के, क्योंकि धतूरे के बीजों का शोधन होना जरूरी होता है। अगला नुस्खा जो है, जायफल का चूर्ण 1 ग्राम से 3 ग्राम, गर्म होता है ये, 100 से 250 ग्राम, एक गिलास ही दूध के साथ है, जो 1 ग्राम जायफल का पाउडर मुंह पे डाला और 1 गिलास दूध मिश्री मिलावा, ये आप 2 वक्त लें, आपका टाइमिंग खूब बढ़ेगा। जावित्री देखो, अभी नुस्खे और हैं, मैं थोड़ा है जो बाथरूम में आता हूँ। अगला नुस्खा 10 नंबर का, जावित्री 1 से 3 ग्राम जावित्री के चूर्ण को 100 से 250 ग्राम, देखो 250 ग्राम ही दूध लेना चाहिए, 100 से 150 कौन देता है। 1 से 3 ग्राम जावित्री का पाउडर बना लें और 1 गिलास दूध के अंदर मुंह में डाल के ऊपर मैं वो दूध पिए दोनों टाइम। इससे ये लिखते हैं कि जिनका वीर्य जल्दी निकल जाता है, यानी कि जिनको शीघ्र पतन है, उनके लिए ये जावित्री वाला प्रयोग अच्छा है। तो 1 से 3 ग्राम, थोड़ी इसकी तासीर उष्ण है, तो आप 2 ग्राम लें, एक महीना सवा महीना ले। अगला नुस्खा जो और है, जिसे आप कोई वैद्य की देख रेख में बनाएंगे, नहीं तो बनाना नहीं, मैं बता ही देता हूँ। जावित्री, सफ़ेद कनेर की छाल, समुद्र सोस, अफीम, खुरासानी, अजवाइन, जायफल, पीपल, मिश्री, इनको सबको मिला करके और गुड़ के साथ 4-4 ग्राम की गोलियां बना लें। 1 गोली रात को सोते समय खाने से संभोग शक्ति यानी कि टाइमिंग बढ़ता है। ये क्योंकि कनेर की जड़ जहरीली होती है, जब तक उनका शुद्धिकरण, तो ये आपके बस का रोग नहीं, आप
योग्य चिकित्सक की देख रेख में बनाए, फिर अफीम मिलती नहीं है तो छोड़ दो उसको। अगला नुस्खा है नमक। 1 से 3 ग्राम नमक के चूर्ण को 100 से 250 ग्राम गाय के दूध के साथ 2 बार लेने से वीर्य श्रृंखलन जल्दी नहीं होता। तो ये नमक की जगह आप सेंधा नमक लें। अब बताओ नमक में इतने गुण और हैं, क्योंकि जिस नमक को अपन कोई दवा में नहीं इसको समझते कुछ नहीं, और उसके बिना तो आदमी खाना भी नहीं खा सकता। नमक तो मैं कहता हूँ सोने से भी ज़्यादा महंगा होना चाहिए नमक, इतने काम की चीज़ है। आप रोटी नहीं खा सकते नमक के बिना। तुम्हारे होम्योपैथिक में इस नमक से बनी हुई दवा नेट्रम म्यूरियोटिकम है, जो कि एंजाइटी की, बुखार की, कमजोरी की, कई 50 रोगों की वो दवा है, वो नमक से ही बना है। अगला नुस्खा जायफल 3 ग्राम, रूमी मस्तंगी 6 ग्राम, लौंग 6 ग्राम, इलायची 6 ग्राम, इनको पीस करके और शहद में मिला करके और बेर के बराबर गोलियां बना लें। 1 गोली रात को सोते समय दूध से लें तो आपका बाजीकरण होगा, टाइमिंग बढ़ेगा। बहुत अच्छा नुस्खा है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई बेड इफ़ेक्ट नहीं। ऐसे नुस्खों को करो आप। इसको एक बार और बोल देता हूँ मैं, क्योंकि जो मेरे को पसंद आ जाता है ना मैं उसको दोबारा बोलता हूँ। करना न करना ये आपकी इच्छा पर है। जायफल 3 ग्राम और 6 ग्राम रूमी मस्तंगी, 6 ग्राम मोटे वाले लौंग काले और 6 ग्राम इलायची के दाने, इन सबको पीस लें। पीस करके और शहद से मिला के और लाल बेर होते हैं छोटे छोटे, इनके बराबर गोलियां बना लें, सुखा लें और डिब्बे में भर लें, अपने काउंटर पे रख दें बेड पे। रात को 1 गिलास दूध, 1 गोली मुंह में खाई और फिर देखो आप सेक्स करो। उसके 1 घंटे बाद आप कहेंगे क्या नुस्खा है। मैंने आज जितने आपको नुस्खे दिए हैं ये प्राय सब घरेलू है। मात्र 1 नुस्खे के अंदर अफीम और धतूरे के बीज और कनेर की छाल, ये जिस नुस्खे में हैं वो नुस्खा अगर आप करना चाहते हैं तो एक तो आपके शरीर में और कोई रोग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप निरोग होने चाहिए। दूसरा कनेर जहर होता है, उसका शुद्धिकरण वैद्य से कराएं अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो। और जहाँ तक हो ऐसे नुस्खों को थोड़ा आगे सरका दें। मेरी जो मुझसे अगर आप सलाह करना चाहते हैं, आप यूँ मालूम के चलो कि भाई आपने व्हाट्सएप पे ही पूछा है मेरे को या कमेंट्स में ही पूछा है, तो मैं तो एडवांस चलता हूँ आप लोगों से भी। हाँ, आपसे एडवांस चलता हूँ तो मैं आपसे ज़्यादा डरता हूँ। यह डरना चाहिए, तलवार है, चाकू है, और है, तो इनको रखने में करने में लगते पता ही नहीं चलता, दाढ़ी बनाते हैं कट लग ही जाता है। इसलिए जो इस तरह के जहरीली चीज़ें नुस्खों में हैं उनका जहाँ तक वो प्रयोग न करें।
और पता नहीं क्या साइड इफेक्ट हो जाए। पहले के लोग इतना सोचते नहीं थे और पहले के वैद्य जो थे वो शुद्धिकरण करते थे, समझते थे। आज के वैद्य वो कोई जंगल में जाकर के कोई चीज़ को कैसे लेके आएंगे, वो तो उनको तो बैठने के लिए सीएम की तरह कुर्सी चाहिए। 6 घंटे हॉस्पिटल में गए और 6 घंटे कुर्सी तोड़ के आ गए। सरकार ने 10 दवाइयाँ रख रखी है, त्रिफला वगैरह, कोई आया तो पुड़िया दे दिया, बाकी की दवाइयाँ का उसमें भी उस मेडिकल उस आयुर्वेदिक दुकान से खरीद लेना। यहाँ हॉस्पिटल में 2-2 वैद्य बैठे हैं, आराम से बैठे रहते हैं, चपरासी पानी भर देता है, चाय आ जाती है, 60-70 हज़ार की तनख्वाह मिल जाती है। वहाँ से फ्री होते ही जो दवाइयाँ लिखी है जिस आयुर्वेदिक स्टोर की, तो वो रोगी वहाँ पहुँच जाते हैं, उनको कह देते हैं हम वहाँ आपको इतने बजे मिलेंगे, तो उनकी फिर वहाँ अच्छी तरह से हजामत हो जाती है, है ना। तो ये धंधा आजकल हो रहा है, इसको मैं नहीं रोक सकता। आपको इसके लिए एक ही है कि आपको ध्यान रखना है कि कोई आपत्तिजनक वस्तु आपके पेट में न जाए। फ़ायदा कम ही सही लेकिन अच्छा हो। और दूसरी बात ये कि आप अपनी एक्सरसाइज करें, खाली दवा पे न रहें, वॉकिंग करें, दौड़ लगाएं, और लगाएं जो कुछ। अरे आप लोग कुछ करते ही नहीं हो, कुछ करोगे जभी तो होगा ना। हाँ, तो इन में से जो नुस्खे बताए हैं सब अच्छे हैं नुस्खे हैं, जो नहीं करने के हैं वो मैंने आपको बता दिए। आज का वीडियो 1 घंटे का बन गया, कोई बात नहीं, आप पूरा सुनो आपकी मर्जी है, न सुनो तो भी आपकी मर्जी है। मैं कोई को ये नहीं कहता कि हमारे वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो का घंटी दबाएं। अरे किसकी घंटी दबाएं, घंटा दबाएं, ये क्या होता है? हम कोई भीख मंगे हैं यूट्यूबर्स हैं? तो जिसकी इच्छा हो वो सब्सक्राइब करे, नहीं इच्छा हो अपने राधा को याद करे। हम उसमें के आदमी हैं, हम हनुमान भक्त हैं, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। और कोई चीज़ आपको समझनी है आप मुझसे कमेंट्स में न लिखें, क्योंकि कमेंट्स में मैं कितना जवाब दूंगा। वेलकम माई व्हाट्सएप, मेरे व्हाट्सएप पे आओ, और व्हाट्सएप पे आते ही जो सवाल आप पूछते हो आप 20 मिनट बाद ही रिप्लाई। अरे ये रिप्लाई क्या होती है? अरे मेरे भाई, अरे भाइयों, आज इतना सन्नाटा क्यों है? अरे ओ छमक छल्लो, तो देखो ऐसा है कि आज तारीख क्या है आपको याद है? दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है। कोई जमाने में छायने की टिकट लेकर के किशोर कुमार का ये गाना सुनते थे, अब याद नहीं आ रहा, अभी याद आया। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। देखो हम स्पष्ट बात कहने वाले हैं, किसी को हमारी बात से अगर ठेस लगती है तो हम क्षमा चाहते हैं। जो कहना है वो कह देना चाहिए, नहीं कहना नहीं चाहिए। वैसे हम दिल से बुरे नहीं हैं, आपके साथ हैं, और अब हमें कोई बहुत लंबा सफ़र तय नहीं करना। हमें हमारी मंजिल अब नज़र आने लग गई है कि वो हमारी मंजिल है,
और हम उस मंजिल को पहुंचने तक धीमी गति कर रखी है, तो हमारे अनुभवों का लाभ उठाओ। 78 के तो हो गए, और अब कभी भी बजरंगबली हमें अपनी सेवा में बुला सकते हैं, क्योंकि हमने उनको कह दिया है बाबा अब बुला लो, आप जब आपका मन करे उसी वक्त आ जाएंगे, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं, क्योंकि हमने जो मांगा आपने हमारे को खूब दिया। हम क्या हमेशा ही मांगते रहेंगे क्या? हम तो अब यही मांगते हैं कि आप अपने पास तलब कर लो, आपकी सेवा करेंगे, हाँ खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। और देखो पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, हर जगह थोड़ी होशियारी से काम में लो, कोई तुमको लूट न ले। लूटने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारी जेब कट गई। पंसारी के यहाँ जाते हैं, चीज़ें दिखाओ प्लेटों में रख रख के, थोड़ी मेहनत करो। ग्राइंडर सबके घर में होते हैं, कोई पूछे ये क्या है, कभी मेरा पेट ठीक नहीं रहता, उसकी दवाई है। आप ये क्यों कहते हैं कि मैं सेक्स की दवाई बना रहा हूँ? बहुत ऐसी चीज़ें हैं बाज़ार में, जगह जगह ग्राइंडर लगे हुए हैं, कहीं भी जाके आप पाउडर बना सकते हैं। अरे करने वाला बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। और कोई चीज़ को नहीं करना है तो लाखों बहाने होते हैं, लाखों बहाने होते हैं, लाखों बहाने होते हैं